हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं वापस आ चुकी हूँ एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ। आप लोगों को पता है आजकल मैं अमेज़न के हॉल्स बहुत ज्यादा डाल रही हूँ, बिकॉज आप लोगों की इतनी डिमांड थी अमेज़न। तो मैंने सोचा चलो अमेज़न को अब अच्छे से ना छानबीन कर ही लेते हैं। आज ना मैंने क्या दिखाने वाली हूँ, जब मैं अमेज़न से शॉपिंग कर रही थी तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे विश लिस्ट में ऑलरेडी काफ़ी सारे सामान पड़ा हुआ है जो मैंने कभी खरीदा नहीं। कुछ मैंने एक साल पहले विश लिस्ट किया था, कुछ दो साल पहले, तो काफ़ी टाइम का जो भी चीज़ें मैंने इसे सेव फॉर लेटर में डाली हुई थी ना, वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं मंगाई है, 5 चीज़ें ऑर्डर करी है। जो भी ये 5 चीज़ें आई, इसको देखने के बाद, ट्राई ऑन करने के बाद, आई स्वेयर, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग ऐसे हिल गया, मैं इतनी खुशी के मारे नाच रही थी। आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने बहुत ही अच्छी चीजें मंगाई है। एंड आई जस्ट रियली होप कि आपको भी ये हॉल पसंद आए, सामान पसंद आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेजोन पे आप लोगों को पता है डिस्काउंट सेल्स काफी चलते रहते हैं, तो चीजें ना आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो जाती है। सो ऐसा बहुत बार हुआ है, आप लोगों ने मुझे काफी बार कॉमेंट किया है कि दी आपने रेड टॉप वाला लिंक नहीं डाला, आपने उसकी जगह ब्लैक डाल दिया है। एक्चुअली होता क्या है, मैंने रेडी डाला होता है लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। जैसे मेरी वीडियो लाइव होती है, कोई लोग खरीद लेते हैं, चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या होता है उसके जो ऑल्टरनेटिव कलर्स में जो वो चीज अवेलेबल होती है, जैसे ब्लैक टॉप की जगह रेड टॉप अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली रेड वाली आपको लिंक दिखेगी। सो दिस इज वॉट हैपन। सो इफ यू लाइक एनीथिंग फ्रॉम दिस हॉल, जस्ट गो फॉर इट। सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है। 2 मिनट से ऊपर मैं बोल चुकी हूँ, सो अब मैं अपनी बकवास बंद करती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सब कुछ ऐसे 700 के नीचे ही है, 600 ऐसे ही कुछ। ये क्या जो थोड़ा सा महंगा है, बट बाकी चीजें इज वेरी अफोर्डेबल। तो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट आउटफिट एंड माई फेवरेट, क्या बताऊं। सो दिस इज आर फर्स्ट आउटफिट, इट इज अ क्वाड सेट। और ये जिस तरीके से मुझे फिट हुआ है, लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये मैंने जाके खुद से सिलवाया हुआ है। एकदम सही जगह पे, सही तरीके से ये मुझे फिट हो रहा है। इसमें यू विल गेट दिस वेरी क्यूट क्रॉप टॉप। मुझे इसके बारे में हर चीज पसंद आई ऑनेस्टली, इसका लुक से लेकर इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा लाइट वेट है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। पीछे ऐसे रूशिंग वाला वर्क किया हुआ है एंड इसकी वजह से ही चीजें बहुत अच्छे से आपको फिट होती है। नेक्स्ट कम्स द स्कर्ट एंड दिस इज द ब्यूटिफुल स्कर्ट। आपको इसका प्रिंट देख के समझ आ रहा होगा, दिस इज परफेक्ट फॉर बीचेस। और ये मुझे इतने अच्छे से फिट हुई, हाई वेस्ट है, एकदम परफेक्ट है। जैसी क्रॉप टॉप की जितनी लेंथ होनी चाहिए, जितनी स्कर्ट की लेंथ होनी चाहिए, बिल्कुल वैसा ही है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये एंड दिस इज अफोर्डेबल ऑल्सो। प्राइस आई थिंक इसका 600-700 अराउंड ही था, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। मैंने इसको स्टाइल किया था विद व्हाइट स्नीकर्स, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, वेकेशन पर जा रहे हो, तो आप भी नीचे शूज ही पहनोगे या नॉर्मल चप्पल्स डालोगे, हील्स तो कोई नहीं पहनने वाला। बट डेफिनेटली ओकेजन के अकॉर्डिंग आप फुटवेयर डाल सकते हो, अगर कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो आप इसके नीचे हील्स पहन लोगे तो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आई रियली लाइक दिस वन। 10/10 क्या, मैं 1000/10 देना चाहूंगी इसको। और अगर आपने ये लिया, आई प्रोमिस यू गाइज, यू विल लव इट, बहुत ही अच्छा है। नाउ नेक्स्ट जो आउटफिट है ना, दैट इज परफेक्ट फॉर ट्रैवलिंग एज इन, जैसे अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, बस से ट्रैवल कर रहे हो, बेसिकली आप अगर ट्रैवल कर रहे हो एंड वाइल ट्रैवलिंग आपको स्टाइलिश भी लगना है, देन दिस इज द आउटफिट फॉर यू। अगेन दिस इज अ क्वाड सेट, और मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि मैंने 5 चीजें में से 4 क्वाड्स खरीदे हैं। सो इसकी शर्ट कुछ इस तरीके से है, फ्रंट पे बटन्स हैं, आप चाहो तो बटन बंद करके भी पहन सकते हो, मुझे पर्सनली खोल के पसंद है। एंड इसके नीचे मैंने व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप डाला हुआ था। व्हाइट के साथ आप, मतलब व्हाइट की जगह आप ब्लैक भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा, बट वेयर क्रॉप टॉप ओनली, बहुत प्यारा लगेगा इसके अंदर। मैंने व्हाइट इसलिए पहना था क्योंकि इसमें ना, मतलब जो दूसरा शेड है थोड़ा लाइट कलर है, तो ऐसे मुझे लगा कि व्हाइट अच्छा लगेगा एंड एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। व्हाइट को बैलेंस आउट करने के लिए मैंने व्हाइट शूज डाले हुए थे नीचे एंड एकदम परफेक्ट आउटफिट था ट्रैवलिंग के लिए, बहुत ही कंफर्टेबल। वॉच की कमी लग रही थी मुझे। आप भी इस तरीके से छोटी मोटी चीजें एड ऑन कर सकते हो, ब्रेसलेट, वॉचेस, ये सब पहन के बहुत प्यारा लुक लगेगा। इसका फैब्रिक इज ऑल्सो वेरी गुड, समर्स के लिए अप्रोप्रिएट, वेरी कंफर्टेबल। सो या, और यही चीज चाहिए होता है ट्रैवल करते वक्त ना, अगर कोई चीज स्टाइलिश भी है एंड कंफर्टेबल भी है, व्हाट एल्स डू यू नीड। एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो,
प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वेरी सॉरी, बट आई थिंक 700-800 के अराउंड ही होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट या दिस वॉज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल. अच्छा, सो अब जो तीसरा कोर्ट सेट है, दैट इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल वेकेशन आउटफिट, एंड दैट इज जो मैंने अभी पहना हुआ है राइट हियर. इतना प्रिटी ये लगा रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकती, जिसकी कोई लिमिट नहीं है. एंड दिस इज अगेन अ टॉप एंड अ स्कर्ट का कोर्ट सेट है. सो एज यू गाइज कैन सी, ऊपर है ये शर्ट, ठीक है, और दिस इज अगेन वेरी कोरियन. अगर आपने, मैंने तो इतना कोरियन ड्रामा नहीं देखा हुआ है, लेकिन अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा उनके कॉलर्स ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े से लूज सी शर्ट होती है. लुक एट इट्स स्लीव्स, माई गॉड, दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई लाइक. आई लव दीज काइंड ऑफ टॉप्स. एंड सबसे अच्छी बात है, अगर आपको टॉप सिर्फ खाली, मतलब सिर्फ टॉप के साथ नीचे यू नो ब्लैक कलर की जीन्स वगैरह के साथ स्टाइल करना है, तो आप खाली टॉप पहन के भी जा सकते हो. एंड अगर आपको ऑब्वियसली कोर्ट सेट जो इसका है ये, तो साथ में प्यारा लगेगा ही. स्कर्ट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग, सुंदर सी स्कर्ट है, हाई वेस्ट है, साइड में इसके जिपर है, इजिली आप अच्छे से पहन सकते हो. साथ में इट वॉज लुकिंग सो डैम क्यूट. आई कैन इमेजिन इस आउटफिट में फोटोज बहुत अच्छी आएगी. मुझे ये आउटफिट बहुत अच्छा लगा. इट्स वेरी फ्लोई एज यू गाइज कैन सी, एंड इसका फैब्रिक इज जॉर्जेट बट इट इज वेरी सॉफ्ट. समर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी कंफर्टेबल है. और लुक एट इट यार, इट्स वेरी प्रिटी. मुझे ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आई नो. एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम ऑफ दिस हॉल, जैसे कि मैंने कहा था, एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. सो दिस वन वॉज अराउंड 1500 रुपीज, एंड या बट ऑनेस्टली दिस इज वर्थ द मनी. काफी प्यारा लुक है, रियली मतलब लव इट. मतलब एक होता है लव इट, एंड एक होता है आई लव इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर फोर्थ आउटफिट, एंड दैट इज नॉट अ कोर्ट सेट फॉर अ चेंज. दिस इज अ ड्रेस, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्लिट ड्रेस. एंड अगेन ये पता नहीं मैंने कब की विशलिस्ट करी हुई थी, आई थिंक जब स्लिट वाली ड्रेसेस थोड़ी ट्रेंड में थी ना, अभी भी ट्रेंड में है. सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल वाइट कलर का आउटफिट है. अगेन को इंसिडेंटली सारी आउटफिट्स मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे बीच वाले के लिए हो गया. मतलब मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि बीच वेकेशन आउटफिट का वीडियो बनाती हूँ, बट ऐसा हो गया. तो इसको भी आप बीचेस पे पहन के जा सकते हो. एंड इसका स्लिट इज काफी हाई, लिटरली बहुत ऊपर है. सो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो आप उसको स्टिच करवा सकते हो इजीली. बट आई थिंक बीचेस वगैरह पे कौन किसको इतना देख नहीं रहा होता है, तो वहां पर यू नो इतना ध्यान नहीं जाता, कोई अनकंफर्टेबल नहीं लगता है बेसिकली. बट क्या, जरूरी नहीं है आप वेकेशन पे पहनो. होता है कई बार ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हो, लंच के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, एंड यू वॉन्ट टू वेयर समथिंग नाइस फ्लोई समरी, और आपको ऐसा कुछ स्लिट ड्रेस पहनने का मन है, तो आप ये भी पहन सकते हो. सो या, इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल आउटफिट. दिस इज वेरी अफोर्डेबल, अगेन 500-600 के रेंज में ही थी. स्क्रीन पर यू विल फाइंड द प्राइस एंड साइज डिटेल्स. बाय द वे, जितनी भी चीज़ें मैंने ली है, सारा ही मैंने स्मॉल साइज में लिया है, एंड सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छे से फिट हुआ है. स्मॉल फिट्स मी amazingly, अच्छे से फिट हुआ. Now let's move on to our last but not the least item of this haul, and this is very different. मतलब आज तक आपने मेरे चैनल पर जितने भी हॉल्स देखे होंगे, इतना अतरंगा आउटफिट आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा मेरे चैनल पर, बिकॉज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने ऐसे कुछ शॉप किया. सो दिस इज आवर सेकेंड आउटफिट, और ये भी टॉप एंड स्कर्ट है, क्वाड सेट है. सो आप देख सकते हो, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई यूजली वेयर. बहुत ज्यादा प्रिटी लगा था ये मुझे देखने के बाद, एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू ट्राई दिस वन. ओके, तो इसमें यू विल गेट दिस स्कर्ट, पेंसिल स्कर्ट जो आपकी नी से नीचे आएगी, एंड दिस स्वेट शर्ट काइंड ऑफ अ टॉप. हाई नेक है, फुल स्लीव्स है, एंड क्रॉप्ड है. जब मैंने इसको पहना था ना, तो ये वाला जो टॉप है ये थोड़ा सा मतलब इट इज क्रॉप टॉप, बट सिंस जो इसकी स्कर्ट है दैट इज सुपर हाई वेस्ट, तो जो वो क्रॉप टॉप है वो क्रॉप टॉप लग नहीं रहा था. तो मैंने इसको अंदर की साइड फोल्ड किया, एंड उसके बाद जो लुक आ रहा था, अमेजिंग, आई लव्ड इट. बहुत ही कम्फी आउटफिट है, बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं है. आई थिंक दिस इज परफेक्ट फॉर माउंटेन वेकेशंस. बहुत अच्छी पिक्चर्स भी आएगी, और
ठंड से भी बचा लेगा अगर आपको ठंड से बचना है तो. दिस इज ऑल्सो अफोर्डेबल ओनली, ये भी महंगा नहीं था, सब ऐसे 900-800 के अंदर ही है. सो ये सारी चीज़ें थी जो काफ़ी टाइम से मेरे विशलिस्ट में थी और मैंने सोचा कि चलो एक बार इनको भी शॉप करके देख ही लेते हैं. एंड आई एम अमेज्ड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि सारी चीज़ें इतनी सुंदर इतनी अच्छी आने वाली है. मैं इस हॉल में से अपने फेवरेट्स की बात करूँ, मैं इसमें 1, 2, 3 नहीं बता रही हूँ, तीनों ही इक्वली मुझे पसंद आए हैं. तो सबसे पहले तो ये जो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, देन दिस क्वाड सेट, लव इट. यू अगर मैं ट्रैवल करने वाली हूँ ना, अगर कभी भी इन फ्यूचर, आप डेफिनेटली इसको देखने वाले हो, मतलब इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स में. एंड थर्ड वन इज दिस वन. इसमें से कुछ भी आपको पसंद है ना, गो फॉर इट, यू विल लव इट, आई प्रोमिस. बाकी सारे लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, कॉमेंट्स में मिल जाएंगे. या सो दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो. आई रियली इंजॉयड इट एंड आई रियली होप कि आपको भी मजा आया हो. अगर आया हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, एक कॉमेंट छोड़ देना प्यारा सा, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और That is it. So I'll see you next time in my next video. Bye.